सो कैसे हो बच्चों? तो जैसे कि पता है आपको कि बच्चों के पहले सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज जो 1.1 है उसकी थ्योरी कवर की थी, है ना। और इस सेशन में हम लोग बच्चों क्या कवर करने वाले बोलिए? इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस हैं सेट्स के, ठीक है। तो आप बच्चों एक काम जरूर करें कि सभी बच्चों को शेयर करें इन वीडियोस को, है ना, उनको बोलें भी सब्सक्राइब करने के लिए। साथ में जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करें, आप ग्रुप को हमारे ज्वाइन करें एससी वर्मा सॉल्यूशन, जिससे कि आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो वो डाउट्स भी हम लोग एज अ ग्रुप बच्चों सॉल्व कर सके ना। आई वॉन्ट टू मेक कि बहुत बड़ी सी कम्युनिटी बने जहाँ पे हर बच्चे का डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने क्लास 10th का बच्चों जो है पूरा आरडी लगाई थी, उसी तरीके से मेरा यहाँ पर मोटो है कि काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं आरडी शर्मा क्लास 11th के लिए, तो उसमें भी यही काम करने का। पर आप लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग चाहिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि यू नो इट्स अ वेरी वेरी मोमेंटस टास्क। कोई भी नहीं बच्चों आज तक किया है ये चीज़, एंड लाइक इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। चाहे जितनी बड़ी भी कोचिंग हो, चाहे जितना बड़ा भी लोगों के पास टीचरों का हुजूम हो, देन ऑल्सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग टास्क, ठीक है। तो पहले से मेरे क्लास 11th के सभी चैप्टर्स जे एडवांस तक बच्चों प्रेजेंट हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। क्लास 12th का भी पूरा कंप्लीट है बच्चों, एंड आई एम थिंकिंग सीक्वेंस एंड सीरीज के काफ़ी पुराने वीडियोज़ हो चुके हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के भी काफ़ी पुराने हैं, बाकी तो सारे नए हैं। तो इफ़ यू वॉन्ट सो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको चाहिए उनके नए लेक्चर्स, तो फिर मैं उनके नए लेक्चर्स भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए बच्चों इसी तरीके से जुड़े रहिए, है ना, एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के आने से, तो जरूर से जरूर जुड़े हमारे साथ। और चलिए आगे बढ़ते हो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्सरसाइज, लेट मी चेंज द कलर बच्चों, एक्सरसाइज करने जा रहे हो बच्चों। पहली एक्सरसाइज है, सिंपल है ना, सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.1। तो पहला जो क्वेश्चन है काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ना, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने उसका आंसर जो एकदम थियोरेटिकली उठा लिया है बच्चों। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट, है ना। हम लोग बोलते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन, तो लेकिन कलेक्शन की जो लिटरल मीनिंग है और जो सेट है, सेट इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड देन यू हैव टू गिव रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। तो देखो, अ कलेक्शन कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, वेयर एज अ सेट इज अ वेल डिफाइंड। आपने देखा होगा कलेक्शन तो लिखा है, लेकिन सेट की डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें एक और बहुत ही बड़ी बात लिखी थी, दैट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड इट इज इंक्लोज्ड इन ब्रेसेस। सो जैसे कि कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स, काफी बार ये बात बताई गई आपको कि जब एडजेक्टिव लगा रहता है तो परसेप्शन की बात हो जाती है, इंडिविजुअल फीलिंग्स की बात हो जाती है, वो मैथमेटिक्स में नहीं चलता है। तो इसीलिए आपके कहने अनुसार गुड टीचर्स का कलेक्शन कैन बी डिफरेंट, आपके फ्रेंड के कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स कैन बी डिफरेंट, बिकॉज वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करते बच्चों, तो वो कलेक्शन है लेकिन वो सेट नहीं है। वेर एज वेन यू टेक ऑल द टीचर्स ऑफ द स्कूल, देन इट इज बिल्कुल अप्रोप्रिएटली इट्स अ सेट, बिकॉज वेन यू टेक ऑल द टीचर्स देन इट्स अ डेफिनेट नंबर, सो इट इज कॉल्ड अ सेट, समझ रहे हैं आप। बट वेन वी से गुड टीचर्स, है ना, ये सब समझा चुके हैं हम आपको, इट चेंजेस ओपिनियन वाइज, सो वी कैन से इट इज नॉट डेफिनेट, हैंस वी कैन कॉल इट अ कलेक्शन एज इट इज नॉट वेल डिफाइंड। सो आई होप कि ये बात आपको बहुत क्लियर हुई होगी बच्चों कि सेट एंड कलेक्शन में क्या अंतर है, ठीक है। अब इसी चीज के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, दैट इज बेस्ड ऑन द सेम थिंग, कि आपको बताना है कि इसमें से कौन से कलेक्शन सेट्स हैं, देन यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर आल्सो। अब देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, सो यू नो कि नेचुरल नंबर कोई भी लिखने जाएगा तो
तो वो यही लिखेगा 1 2 3, और कहां तक आपको लिखना है बच्चों, 49 तक आपको लिखना है। तो ऑब्वियसली ये सबके लिए सेम ही होने वाला है ना, ऐसा नहीं है कि अपनी विम्स एंड फैंसीज की वजह से वी कैन राइट व्हाटएवर वी वांट हियर, है ना। वी हैव टू राइट द एग्जैक्ट थिंग एंड इट इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन। दैट्स व्हाई जो हमारा है नेशनल नंबर का कलेक्शन है इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारा सेट है, तो फर्स्ट को मैं बोल देता हूँ बच्चों की इट्स अ सेट। फिर देखिए आप देखिए गुड आ गया भाई, भाई आप समझ गए है ना। तो अभी तो एक्सप्लेन किया हम लोग द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, सो दैट्स नॉट अ सेट, नॉट अ सेट, नॉट अ सेट भाई, बिल्कुल सेट नहीं है, बिकॉज गुड हॉकी प्लेयर्स इट्स अ इंडिविजुअल टेस्ट एंड इट्स अ इंडिविजुअल फेवरेटिज्म, है ना। किसके लिए कौन सा फेवरेट है प्लेयर, है ना, दैट डिपेंड्स अपॉन सो मैनी थिंग्स कि आप किसको पसंद करते हैं ना। फिर इसी तरीके से थर्ड जो है द कलेक्शन ऑफ ऑल द गर्ल्स इन योर क्लास, सो दैट्स एब्सोल्युटली बच्चों इट्स अ सेट, ठीक है। वो एक एग्जैक्ट क्वांटिटी होने वाली है ना, वो सबके लिए वही होंगे नेम्स क्लास में, सो दैट्स वेरी गुड। अब फोर्थ को देखिए बच्चों, फिर से एक बार टैलेंटेड, सो वेर इन यू सी एडजेक्टिव रिटेन, तो वो आपका फिर बच्चों दैट्स नॉट अ सेट, राइटर्स में टैलेंटेड लिख दिया गया है, सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन ओपिनियन, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। सो आई होप दिस इज क्लियर, आई एम राइटिंग विच ओर इज नैरेटिव दिस साइड एंड विच इज सेट वी आर राइटिंग लेफ्ट हैंड साइड, ओके। नाउ अगेन ये भी बात हम लोगों ने अपने टॉपिक्स में बच्चों डिस्कस करी थी कि डिफिकल्ट टॉपिक, समथिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू बट फॉर अदर्स इट मे नॉट बी डिफिकल्ट, है ना। कुछ चीजें आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती बट दूसरों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए ये नॉट अ सेट है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद, आई होप यू गाइज नो इज अ ग्रेट रिनोड, है ना, हिंदी एंड उर्दू जो है वो उपन्यास वगैरह लिखते थे बच्चों, ठीक है। सो मुंशी प्रेमचंद की जो नॉवेल्स हैं, सो उनका पूरा कलेक्शन आपको चाहिए बच्चों तो वो बिल्कुल सेट हो, एंड दैट डिपेंड्स कि भाई कितने नॉवेल्स हैं एंड एवरीवन दैट हैज लाइक एग्जैक्ट वैल्यू, और वो कोई विम्स एंड फैंसीज आप नहीं लिख सकते, जो है सो है, सो दैट्स व्हाई इट्स अ सेट। The question, the collection of all questions of this chapter, that is also a set, बच्चों, है ना, जितने भी questions हैं इस chapter के अंदर, that's a collection, so वो आप ऐसा नहीं है कि आपके ज्यादा होंगे किसी के कम होंगे। फिर the collection of all months of a year beginning with the letter J, J से शुरू होने वाले months के name, January, June, July, है ना, सही है भाई। तो ये क्या है, ये भी set है। अब देखिए यहाँ पे dangerous, है ना, एडजेक्टिव लगा दिया भाई, एनिमल्स के आगे लगा दिया डेंजरस। अब कोई आपको डेंजरस लगता हो सकता है किसी बच्चे को कैट ही डेंजरस लगती हो, किसी के लिए वो पेट एनिमल है, सो दैट्स अगेन ओपिनियन वाली बात हो गई बच्चों। सो वी आर गोइंग टू राइट हियर कि इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ प्राइम इंटीजर्स, तो यू नो दैट इट्स अ सेट, तो इसमें भी कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं, सो इट्स डन। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि बिलोंग्स टू होगा कि नहीं होगा, तो हमारे पास सेट में देखिए क्या क्या, जीरो से लेकर आई थिंक सभी टेन तक आपके पास नंबर्स है बच्चों, जीरो से लेकर टेन तक इलेवन नंबर्स है। आपको यहाँ पे अप्रोप्रिएट सिंबल डालना है कि नंबर इस सेट में है कि नहीं है, तो फोर आपको पता है बिलोंग्स टू वाला ऐसा साइन होता है एप्साइलम जैसा, तो फोर बिलोंग्स टू ए, लेकिन माइनस फोर यहाँ आई डोंट सी एनी निगेटिव इंटीजर प्रेजेंट, सो दैट्स नॉट अ केस, ये सही है, बिलोंग्स है। 12 भी नहीं है बच्चों, सो दैट इज 12 डज नॉट बिलोंग बिकॉज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इंटीजर दैट इज प्रेजेंट इज 10, सो 12 इज नॉट देयर, यस 0 इज देयर, सो 0 बिलोंग्स टू ए, माइनस 2 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एंड आई कांट सी एनी नेगेटिव नंबर प्रेजेंट इन दिस सेट ए, सो माइनस 2 ऑल्सो डज नॉट बिलोंग टू ए, सो दिस इज वॉज सो ईजी बच्चों। तो शुरुआत में काफी आसान आसान ये चैप्टर है, सो यू गोइंग टू फेस देम वेरी फास्ट। सो अब जल्द कल ही हम लोग बच्चों डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट पढ़ेंगे, दैट इज रोस्टर फॉर्म, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म। आई नो कि अभी बहुत सारे बच्चों की इलेवन नहीं शुरू, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर स्लोली चल सकता हूँ ना, जब तक बच्चे ज्वाइन करेंगे हमें। और जरूर बताएं सभी बच्चों, क्लास टेन पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो जरूर जरूर ध्यान देना इस बात का, ठीक है। कितनी एक्सरसाइज है भाई, 1.3 and a lot of exercises, right? We're going to amaze with the type of the questions we will be seeing here.
वेन डायग्राम वगैरह है, 1.5, काफी कुछ है, मजा आने वाली है बच्चों, ठीक है। एंड फिर इसके बाद ना वी विल मतलब वी आर ट्राइंग टू मेक दिस कि शुड बी अ पूरा पूरा तगड़ा वाला कोर्स हो बच्चों ये, तो पहले आरडी करेंगे, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज भी, जे एडवांस, जे मेंस और जे एडवांस के इसी के अंदर डालेंगे बच्चों, समझ के रखिए। तो जो भी ऐसा टॉपिक होगा विच विल नॉट बी कवर्ड, यानी कि जो आरडी में कवर्ड नहीं है एंड वो आ रहा है बच्चों, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, उसकी थ्योरी जहाँ पर भी आएगी उसको हम लोग बहुत डिटेल में फिर कवर करेंगे। आई थिंक दैट विल बी वेरी वेरी मजेदार होने वाला बच्चों। तो चलिए एक काम करिए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में आप जरूर जाइएगा, वहां पे जो लिंक है ना बिल्कुल भूलेगा नहीं बच्चों, मेरी तरफ से आपको ये बिल्कुल ठीक है, अगर आप मुझको पसंद करते हैं बिल्कुल थोड़ा भी आपके दिल में है मेरे लिए प्यार मोहब्बत बच्चों, जरूर उस डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर ले बच्चों, कॉन्टैक्ट में रहें, कोई भी दिक्कत हो आपको आप जरूर से जरूर कॉन्टैक्ट करें विद द हेल्प ऑफ दीज ग्रुप्स, या आप अपने फेलो फ्रेंड्स को वहाँ पर लेकर आए एंड दोज फेलो फ्रेंड्स के हेल्प से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना। चले बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।